हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। आपके बीकॉम की स्टडी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जिनका एडमिशन जुलाई 2021 में हुआ है, उनको पता होगा कि बीकॉम का सिलेबस पूरी तरीके से चेंज हो गया है। आपका बीसीओसी 131 से लेकर के 138 तक का सिलेबस है। उसके अलावा दो तीन और सब्जेक्ट्स में जोड़े गए हैं। तो ऑलरेडी मैंने तीन टॉपिक्स के ऊपर, तीन सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो बना दिए हैं जो कि अपलोड हो गए होंगे। तीसरा, आज चौथा टॉपिक मैं करने वाला हूँ एमसीओ बीसीओसी का 135। 134 में मैथ्स है तो उसको बाद में कभी किया जाएगा, बट अभी हम करने वाले हैं बीसीओसी 135, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये है कि कंपनी किसे कहेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कंपनी किसे कहेंगे। इसको बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करा है। तो आज का हमारा पूरा लेक्चर जो है इसी टॉपिक के ऊपर होगा कि कंपनी किसे कहेंगे और अलग अलग लोगों ने क्या क्या इसके बारे में किस तरीके से इसको डिफाइन किया है। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो देखो, ये ब्लॉक वन है। ब्लॉक वन में हमारे टोटल चार सब्जेक्ट्स हैं, चार चैप्टर्स हैं। नेचर एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज, प्रोमोटर, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, अथॉरिटीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो इन सबको पढ़ने का देखो एक फायदा है कि आप जो कंपनीज अभी मार्केट में देखते हो, रिलायंस है या अडानी की कंपनी है, अंबानी की कंपनीज है, टाटा की कंपनीज है, तो ये कंपनी किस तरीके से काम करती है, कंपनी कैसे बनाई जाती है, कौन सी प्राइवेट कंपनी है, कौन सी पब्लिक कंपनी है, प्रमोटर क्या होता है, कंपनी को फॉर्म कैसे किया जाता है, कंपनीज एक्ट 2013 क्या है, ये सारे के सारे जो चीजें होती हैं ये रियल टाइम से रिलेटेड है, रियल टाइम एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो अगर आप इन सब के बारे में सही से जानकारी रख पाओगे तो आप अपने आसपास की जो कंपनीज हैं उसके बारे में भी आप समझ पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इन सबको समझो और एग्जामिनेशन में ये काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। तो आज हम करेंगे यूनिट वन, राइट। यूनिट वन नेचर एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज हम आज करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे की तरफ। ये हमारा यूनिट वन है, देखो, नेचर एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, चलते हैं। ये देखो, तो जो मैंने यहाँ पे ग्रीन से दाग किया हुआ है सिर्फ उसी को पढ़ेंगे। ये जो ग्रीन से मैंने दाग करके रखा हुआ है डेफिनेशन है, है ना। ये सारे के सारे डेफिनेशन है जो कि अन्य लोगों ने कहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा इसका एक आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर चलते हैं। तो देखो, द टर्म कंपनी मे बी डिस्क्राइब टू इम्प्लाई एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर्म्ड फॉर द कॉमन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो कंपनी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं ये बोल करके कि ये एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग एसोसिएट करके आपस में जो है काम करते हैं किसी एक ऑब्जेक्टिव या फिर किसी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, है ना। तो बहुत सारे लोग जब साथ में मिल करके काम करेंगे किसी एक ऑब्जेक्टिव को या फिर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे कंपनी। इन जनरल अगर समझा जाए, द पर्पस फॉर विच द पीपल मे एसोसिएट देमसेल्व्स आर मल्टीफेरियस एंड इंक्लूड इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिसके लिए वो आपस में साथ में मिलकर के काम करेंगे वो डेफिनेटली इकोनॉमिक होगा, है ना। नॉन इकोनॉमिक नहीं हो सकता, इकोनॉमिक ही होगा ज्यादातर, और नॉन इकोनॉमिक भी होता है समटाइम्स, पर मैक्सिमम टाइम वो इकोनॉमिक ही होता है, मतलब पैसे से रिलेटेड ही वो होता है। However, the term company is normally reserved for those associated for economic purpose, है ना? देखो यहाँ पे इस लाइन को जरा देखो कि जो इकोनॉमिक पर्पस के लिए जुड़ते हैं उसी को हम यहाँ पे कंपनी नॉर्मली कहते हैं। दैट इज टू कैरी ऑन अ बिजनेस फॉर गेन, जहां पे एक व्यक्ति बिजनेस को कैरी करता है ताकि उसको प्रॉफिट हो सके। दिस शुड However, not give you an impression that a company under the Companies Act cannot be treated for non-economic activities or charitable purposes. अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी कोई भी कंपनी जो कि Companies Act के तहत बनाई गई है वो किसी charitable purpose के लिए काम नहीं करेगी या फिर non-economic purpose के लिए काम नहीं करेगी। तो ये concept गलत है, वो definitely उस purpose के लिए भी काम कर सकती है। In fact, Section 8 of the Companies Act 2013 allows formation of non-profit association as companies. और यहाँ पे एक बात और बोली गई है कि ऑलरेडी एक एक्ट है, कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है जो कि सेक्शन 8 है, जो कि ये बात कहता है कि आप नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन बना सकते हो जिसको आप कंपनी एज ए डिफाइन कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट यहाँ पे बोला गया। आई होप के समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो इन लीगल टर्मिनोलॉजी अगर लीगली देखा जाए तो एक कंपनी का मतलब होता है एक कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो कोई भी कंपनी, कोई भी एसोसिएशन अगर कंपनीज एक्ट 2013 में अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसे हम कहेंगे कंपनी।
है ना। और अंडर एनी अर्लियर कंपनीज एक्ट, अर्लियर में यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज एक्ट ऑलरेडी पहले समय में आई हुई हैं, तो उस कानून के तहत भी अगर कोई कंपनी जुड़ती है तो वो कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी कहलाती है। सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस अ कंपनी टू मीन अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रोविजन कंपनी लॉ। तो जो प्रीवियस कंपनी लॉ है, प्रीवियस या फिर जो अभी का जो कंपनीज लॉ है 2013, उसके तहत अगर कोई भी कंपनी जुड़ रही है तो उसे हम कंपनी मानेंगे। ठीक है, ये तो लीगल बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि अलग अलग लोगों ने, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लॉर्ड जस्टिस लिंडली के बारे में बोला जा रहा है, उन्होंने किस तरीके से कंपनी को डिफाइन किया है, मैं आपको बताने वाला हूँ। सो इट इज अ कंपनी, अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट इन सेम ट्रेड और बिजनेस एंड हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग देयर फ्रॉम। क्या बोला, एक कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग आपस में मिल करके पैसे लगाते हैं या फिर पैसे के भाव का कोई सामान लगाते हैं, स्टॉक में लगाते हैं, और जिसका इस्तेमाल जो है ट्रेड या फिर बिजनेस में होता है। ठीक है, एंड हु शेयर प्रॉफिट, जो कि और वो लोग आपस में प्रॉफिट एंड लॉस को भी शेयर करते हैं जो कि उस बिजनेस से अराइज होगा। ठीक है ना, द कॉमन स्टॉक सो कंट्रीब्यूटेड इज डोनेटेड डिनोटेड इन मनी एंड इज द कैपिटल ऑफ कंपनी। तो जो कॉमन स्टॉक जो शुरू में खरीदा जाता है या फिर जो शुरू में पैसे लगाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैपिटल कहते हैं। किसी भी कंपनी का कैपिटल क्या होता है, जो पैसे इनिशियली लगाए जाते हैं या फिर उस कम पैसे से अगर आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो तो वो भी कैपिटल ही कहलाएगा, क्योंकि वो कैपिटल के पैसे से खरीदा गया है ना। द पर्सन हु कंट्रीब्यूटेड और टू हुम इट बिलोंग्स आर कॉल्ड मेंबर्स, और वो सारे लोग जिनका पैसा इसमें लगा है ना, या वो सामान जिसका वो है, वो मेंबर्स कहलाएंगे, है ना। द प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड इन हिज शेयर, है ना। तो जो प्रपोर्शन किसी भी व्यक्ति जो है अपने कैपिटल का लगाता है, वो उसका शेयर होता है। सपोज मैंने 100% की कंपनी है, उसमें 30% मैंने कैपिटल लगाया है, तो 30% शेयर जो है वो मेरा हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। शेयर्स आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल ऑल्दो द राइट टू ट्रांसफर देम इज ऑफन मोर और लेस रिस्ट्रिक्टेड, है ना। जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, देखो यहाँ पे बोला गया है कि शेयर जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन ऑल्दो द राइट टू ट्रांसफर देम इज ऑफन मोर और लेस रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन जो राइट होता है उसको ट्रांसफर करने का, वो कुछ हद तक रिस्ट्रिक्टेड होता है, मोर और लेस वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाला डेफिनेशन भी। अब बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस मार्शल के बारे में, फिर बात करेंगे लॉर्ड हेनी के बारे में कि उन्होंने क्या कहा था। तो चीफ जस्टिस मार्शल ने कहा है, अ कंपनी इज अ पर्सन आर्टिफिशियल इनविजिबल इनटैंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आईज ऑफ लॉ। एक कंपनी जो होता है वो एक व्यक्ति होता है, वो एक आर्टिफिशियल व्यक्ति होता है, वो एक इनविजिबल व्यक्ति होता है, वो एक इनटैंजिबल व्यक्ति होता है जिसको आप छू नहीं सकते, और वो एग्जिस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ कानून की नजरों में वो एग्जिस्ट करता है। Being a mere creature of law, it is possess only those properties which the charter of the creation confers upon it, है ना? अब इसमें जो characteristics होंगे, देखिए जैसे कि हम व्यक्ति हैं तो हमारी कुछ ना कुछ characteristics है, उसी तरीके से business को as a person माना जा रहा है, लेकिन उसकी characteristics सिर्फ वही सारी होंगी जो creation के time पे उसको दी गई है, है ना। जब आप कुछ नया क्रिएट करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ पावर्स होते हैं ना, तो यहाँ पे वही बात है कि जब आप कंपनी क्रिएट कर रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ पावर्स दी जा रही हैं जब वो एग्जिस्ट कर रहा है, जब वो स्टार्ट हुआ था, इधर एक्सप्रेसली और इंसिडेंटल टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस, है ना। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं लॉर्ड हेनी के बारे में, उन्होंने भी एक छोटा सा डेफिनेशन दिया है, उसको देख लेते हैं। अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन व्हिच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। एक कंपनी जो होती है वो इनकॉर्पोरेट की जाती है, और एक एसोसिएशन होता है लोगों का जहाँ पे जिसे एक आर्टिफिशियल पर्सन आप बुला सकते हो, जो कि कानून को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है। Having a separate entity, जो कि separate entity होता है, इसका उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं होता है जो कि उस कंपनी को स्टार्ट कर रहा है। कंपनी एक व्यक्ति से बिल्कुल ही अलग होती है। With a perpetual succession and a common seal, और उसके पास एक perpetual succession होता है, मतलब एक व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तो ऐसा नहीं कि वो कंपनी बंद हो जाएगी, वो कंपनी हमेशा चलती रहेगी, उसके मेंबर्स हमेशा बदलते रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से वो कंपनी जो है काम करती है, और उन सारी कंपनी उन कंपनीज का एक अपना कॉमन सील होता है, मतलब एक थप्पा होता है। ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन था। आई होप कि आपको कंपनी क्या होती है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने तीन लोगों का डेफिनेशन मैंने आपको बताया है, और लीगल एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपको बताया था,
आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज मुझे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो क्यों नहीं समझ में आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, मैं डेफिनेटली आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो एग्जाम के प्रिपरेशन आप करते रहिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पर ढेर सारी वीडियोज मिलेंगी जिनको देख करके आप डेफिनेटली एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। साथ ही साथ आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां पे विजिट करके आप इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ पाएंगे और आसानी से अपने एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय, थैंक यू।